आप सबसे मुझे ये शेयर करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि कल रात रात्रि को कल 11:15 बजे के करीब BOP बैरोपाल में रात BSF के अलर्ट जवानों को पाकिस्तान से इंडिया की तरफ दाखिल होते हुए ड्रोन की आवाज़ सुनाई दी। इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए जवानों ने अपने पर्सनल वेपन से 9 राउंड फायर किए और साथ में इलाके में रोशनी करने के लिए एक इल्यूमिनेशन बम का फायर किया गया। जो हमारी पार्टीज जो डेफ में लगी हुई थी, पीछे की तरफ लगी हुई थी, उनको भी आगे बुलाया गया और उस इलाके की काफ़ी गहन छानबीन की गई और सर्च के दौरान हमें एक हेक्साकॉप्टर ड्रोन जो कि काफ़ी बड़ा है साइज़ में वो प्राप्त हुआ। उसके साथ एक बैग टंगा हुआ था, एक सिस्टम है उनका, उसके बैग टंगा हुआ था, 4 बैटरीज एक्स्ट्रा लगाई हुई थी उन्होंने उसके ऊपर। और बैग को जब हमने खोल के देखा तो उसके अंदर लगभग 10 किलो हिरण उसके अंदर स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। तो BSF ने टोटल सीजर जो है एक बड़ा हेक्साकॉप्टर ड्रोन और साथ में 10 किलो हिरण। फिर सामान जो पास में था, एक बोरी थी जिसके अंदर सामान था, तो बोरी पे पाकिस्तान के कुछ उनके मार्क्स हैं। ये जो हिरण 10 किलो है इसकी वैल्यू आप सब जानते हैं, मार्केट में बहुत कई करोड़ों में इसकी वैल्यू है और ये BSF के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि ड्रोन और ड्रग्स हमने साथ में पकड़े हैं। और यही मैं आपको कहना चाहता हूँ, इसके अलावा कुछ आपको सवाल है। लगता है कि जैसे बैटरी एक्स्ट्रा लगाई है तो उससे उन्हें उसका कैपेसिटी को इन्हांस करने की कोशिश की होगी। इससे पहले हमने ड्रोन पकड़े हैं, ये हमारा 4th सीजर है ड्रोन का, लेकिन एक साथ ड्रोन और हिरण ये हमने फर्स्ट टाइम पकड़ा है। अभी हम पुलिस को और बाकी एजेंसी से मिलके इस इलाके की और छानबीन करेंगे और उसके बाद जो भी सामने आएगा वो आपसे शेयर किया जाएगा। सर, रिसीवर कौन था? रिसीवर इसका कौन था, कुछ पता था? मुझे लगता है कि क्योंकि हमने बीच में जो कार्रवाई की, जवानों ने जो कार्रवाई की, उस वजह से ये अपने स्थान तक नहीं पहुंच पाया और पहले ही गिर गया। सर, कितने किलोमीटर का एरिया इसने तय किया है, क्योंकि आपने पकड़ा है इसको? अभी वो सब जो है तहकीकात का मसला है, वो हम इसको भेजेंगे एनालिसिस के लिए और उसके बाद जो डिटेल्स आएंगी वो आपसे शेयर की जाएंगी। कितना उसके अंदर आ गया था? ये लगभग 1 किलोमीटर का इलाका जो है इसने ट्रैवल किया है, लेकिन चूंकि इसमें कोई फॉल्ट आ गया था तो या इसको कोई हिट हो गया था, उसके बाद ये आगे जो गंतव्य स्थान था वहाँ पर नहीं पहुँचा। हाइट कितनी थी इसकी जब ये हुआ? लगभग 300 मीटर की हाइट पे ये फ्लाइट है। सर, ये रिमोट के द्वारा ऑपरेट होता है या किस तरह से इसको वैसे ही छोड़ दिया जाता है लोकेशन में इसकी डेडिकेटेड? ये सब जो है इन्वेस्टिगेशन का मामला है, ये हम देखेंगे इसको। हमने जो जवान थे वहाँ पर ड्यूटी पे 9 राउंड फायर किए उन्होंने अपने पर्सनल हथियार से और उसके अलावा एक रोशनी करने के लिए इल्यूमिनेशन बम का इस्तेमाल किया गया। सर, क्या ड्रोन वापस भी जाना था कि एक बिल्कुल हमारे जो है सीनियर अधिकारियों ने इसको काफ़ी खुशी व्यक्त की है इस पर और जवानों के नाम आगे भेजे जा रहे हैं ताकि उनको पुरस्कारित किया जा सके। पता चला है कितनी कैपेसिटी है इसकी, मतलब 10 किलो तो ये कैरी करके लाया है, कोई और भी कैपेसिटी इसकी ज़्यादा? ये मैं आपको वही कह रहा हूँ कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इसका पूरा तहकीकात की जाएगी इस पर और उसके बाद हम फर्दर कुछ नतीजे में पहुँच पाएंगे। लगभग आई थिंक यही इसकी कैपेसिटी है।
इसका कैपेसिटी का मैक्सिमम यूज किया है। कैपेसिटी को बढ़ाया भी गया ड्रोन की कैपेसिटी को, जैसे आपने कहा कि बैटरी लगी हुई है। मैं नहीं कह सकता इसका, अभी टैके का मामला। इसके ऊपर जो ड्रोन के ऊपर मार्किंग्स है वो मिटाई हुई है, तो इसलिए ये कह पाना जानबूझ के किसी ने इसको मार्किंग को मिटाया है। सर पाकिस्तान अथॉरिटीज को जानकारी दे दी गई जो आपने जो जिस तरह पाकिस्तान की मार्किंग है बैग है इसका? ये एक हमने फ्लैग मीटिंग की है, उस फ्लैग मीटिंग के साथ में हमने अपना जो है प्रोटेस्ट उनके साथ में लॉन्च किया है कि साहब आपकी तरफ से ड्रोन हमारी तरफ आया। सर पंजाब पुलिस द्वारा पिछले समय में भी एक एफआईआर दर्ज की थी, ड्रग्स का भी मामला था कि ड्रग्स भी आ रही है और वेपन्स भी आ रहे हैं, तो उस मामले जो रमदास क्षेत्र में थी या भी, तो उस मामले में पुलिस के साथ कोई जॉइंट आपका चल रही है कोई जाँच, क्योंकि ड्रोन एक्टिविटी काफ़ी हुई है इस इलाके में? देखिए हम सब एजेंसीज मिलकर काम करते हैं और मिलके ही काम करेंगे, और जो हमारे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं बिकॉज सब कॉपरेट कर रहे हैं, इसीलिए हमें अच्छा काम कर पा रहे हैं। सर आज भी दो के भैनी भरो पाल निशहरा ढाला पच्ची लैंडर मल ड्रोन देखे गए ते इन दी हलचल दिनों दिन बढ़ रही है, की उपराले किए जा रहे हैं जी नवे? सर एक लास्ट, थैंक यू सर, एक तो आपने सर इसको फाइलिंग के इसके अलावा कोई नई तकनीक यूज की जा रही है कि ड्रोन का एक्टिविटी का पता चल जाए? थैंक यू मच, थैंक यू।